बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मंसूर नाजो। आज के लेक्चर में हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इनका क्या फंक्शन होता है और यानी ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं। इट इज़ एक्चुअली स्टोर्स एंड रिलीजेज सम हारमोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो स्टोर करता है या हाइपोथैलेमस के हारमोन्स को रिलीज करता है। फ्यू न्यूरॉन्स ऑफ हाइपोथैलेमस स्टोर एंड सीक्रेट देयर हारमोन्स फ्राम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। यानि कुछ जो न्यूरॉन्स होते हैं हाइपोथैलेमस के, वो जमा करते हैं या सीक्रेट करते हैं उनके हारमोन्स को जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच हारमोन्स आर, यानि ऐसे हारमोन्स का जो एग्ज़ाम्पल है, एंटी डायूरेटिक हारमोन यानि ADH है, जो यानी कि जिसका रोल होता है किडनी में टू मेंटेन वाटर एब्जॉर्प्शन इन किडनी, एंड ऑक्सीटॉक्सिन, और ऑक्सीटॉक्सिन हो गया। ADH मेंटेन्स द ब्लड प्रेशर, ADH जो होता है वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ब्लड वॉल्यूम को, टिश्यू वाटर को, यानी उसके तीन फंक्शंस होते हैं। वैसे मैंने एक ही फंक्शन का जिक्र किया था। ऑक्सीटॉक्सिन स्टिमुलेट्स ग्रेटर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एज वेल एज सोशल बिहेवियर। यानि जो ADH होता है उसका फंक्शन होता है कि ब्लड के प्रेशर को, ब्लड वॉल्यूम को, और ब्लड के यानी जो टिश्यू वाटर होता है उसे मेंटेन करे, और जो ऑक्सीटॉक्सिन होता है वो स्टिमुलेट करता है यानी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है स्मूथ मसल्स की, या जो सोशल बिहेवियर होता है उसे वो कंट्रोल करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की आप यानी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो वहाँ पर आप ऑक्सीटॉक्सिन देख सकते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन तो वैसे प्रश्न हो रही है। और उसके बाद हाइपोथैलेमस ऑप्टिक चियाज़म सुपीरियर न्यूक्लियस प्रीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, तो आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। उसके बाद है थायराइड ग्लैंड, इट इज़ अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड ऑन ट्रेकिया इन द बेस ऑफ नेक। ये जो है यानी बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है जो यानी ट्रेकिया में मौजूद होता है नेक के बेस में। इट इज सीक्रेट थायरोजाइन एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन। इससे जो है दो किस्म के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जैसे थायरोजाइन और कैल्सिटोनिन। थायरोजाइन हैज़ आयोडीन एज इट्स इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। थायरोजाइन जो है उसमें आयोडीन जो है इसका अहम जुज़ा होता है। इट रेगुलेट द रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ सेल, यानी ये जो सेल्स होते हैं उनमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें रेगुलेट करता है, उन्हें बरकरार रखता है। इट रेगुलेट द फिज़िकल ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन, और यानी बच्चों के अंदर ये फिज़िकल ग्रोथ और जो मेंटल डेवलपमेंट होती है उसे कंट्रोल करता है। उनके हिसाब से डिफिशेंसी जब इसकी कमी हो जाती है, फिज़िकल एंड मेंटल रिटार्डेशन अकर इन चिल्ड्रेन, तो बच्चों में क्या होती है जो फिज़िकल और मेंटल रिटार्डेशन होती है यानी जहनी कमज़ोरी होती है, उनमें जो जहन होता है, जो उनका जो ब्रेन होता है वो सही से डेवलप नहीं होता, उनकी सोच सही से डेवलप नहीं होती। इफ़ द इनटेक ऑफ आयोडीन इन डाइट इज लो इन एडल्ट, यानी अगर जो आयोडीन का जो इनटेक है अगर आप आयोडीन कम ले रहे हैं अपनी डाइट में, द थायरॉयड ग्रेजुअली इनलार्जेस इट्स इन साइज, यानी जो थायरॉयड ग्लैंड होता है वो अपनी साइज में ज़्यादा बड़ा हो जाता है। दिस एबनॉर्मल कंडीशन इज टर्म्ड एज गॉइटर, और इस एबनॉर्मल कंडीशन को हम गॉइटर कहते हैं जब थायरॉयड ग्लैंड की साइज जो है ज़्यादा हो जाए या बड़ी हो जाए। कैल्सिटोनिन रिलीज इन रिस्पॉन्स टू हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड लोअर द ब्लड कैल्शियम। कैल्सिटोनिन तब रिलीज होता है जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल बढ़ जाए, तो उसे मेंटेन करने के लिए यह हार्मोन रिलीज होता है। इसके बाद आप लोकेशन देख सकते हैं, लैरिंग्स कार्टिलेज थायराइड ग्लैंड, यानी ये कार्टिलेज या लैरिंग्स से थोड़ा नीचे होता है और ट्रेकिया विंडपाइप के ऊपर मौजूद होता है। उसके बाद गॉइटर कंडीशन आप देख सकते हैं जिसमें स्वेलिंग होती है थायराइड ग्लैंड की, इनलार्ज थायराइड ग्लैंड। सो स्टूडेंट, डेट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियो, एंड प्लीज़ सजेस्ट यूर फ्रेंड्स टू वॉच माई यूट्यूब लेक्चर्स। इफ़ यू आर वॉन्ट टू गिव मी एनी सजेशन, यू कैन सजेस्ट मी थ्रू कमेंट सेक्शन।